गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? ठीक है। अभी पिछले कुछ लेक्चर से हम देख रहे हैं जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी हम क्या करेंगे देखो, अभी जनरल सॉल्यूशन में हमने थ्री पार्ट किए। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, टैन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, या तो cos theta is equal to zero, इनके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद sin theta is equal to sin alpha, cos theta is equal to cos alpha, tan theta is equal to tan alpha, इनके लिए जनरल सॉल्यूशन हमने देखा है। अभी इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जनरल सॉल्यूशन फॉर द sin square theta is equal to sin square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha, tan square theta is equal to tan square alpha। यानी देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा अगर होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा। टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा अगर होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा। आपके लिए ये बहुत सिंपल है क्योंकि अभी साइन स्क्वायर डेटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर डेटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टैन स्क्वायर डेटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो सेम क्या है। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, इज इट राइट? एन पाई प्लस माइनस अल्फा, बराबर। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने इसका चार्ट देखा है तो हर एक के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अभी हमें क्या करना है, अगर यहां पे हमें पहले तो अल्फा निकालना पड़ता है और थीटा की वैल्यू अगर चेंज हो तो वो भी हमें उधर या जनरल सॉल्यूशन में डालनी पड़ती है। तो ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। Find the general solution for trigonometric functions. For first, suppose that 4 sin square theta is equal to 1. अभी ये जो example है 4 sin square theta is equal to 1, उसका हमें general solution निकालना है। तो 4 sin square theta is equal to 1 यानी क्या हो जाएगा, देखो 4 sin square theta is equal to 1 यानी sin square theta is equal to 1 by 4, बराबर। तो sin square theta is equal to, अभी ये 1 by 4 किसका square है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by 2 bracket square, बराबर कि नहीं। अभी 1 by 2 sin की वैल्यू हमें क्या करना है, अभी साइन की वैल्यू हाफ कब रहती है बोलो तो, साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बराबर। थर्ड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो निगेटिव है। अभी साइन पॉजिटिव तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, उसमें से हमें कम से कम नंबर वाला क्वाड्रेंट चॉइस करना है। तो यहां पे कम से कम नंबर वाला जो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी हमें क्या करना है, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव एंगल के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं लेना है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ऐसा एंगल है उसके लिए साइन की वैल्यू हाफ आती है, बराबर 30 डिग्री, बराबर। तो 30 डिग्री के लिए क्या है, साइन इज इक्वल टू हाफ, एंगल क्या होता है 30 डिग्री, लेकिन रेडियन में वो क्या आएगा, पाई बाय 6, तो साइन पाई बाय 6 क्या है, हाफ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर। तो यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6। तो हमें क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा
ये जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो उसके लिए sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा जैसे हो गया कि नहीं यहां पर, हां ये इसको कंपेयर करो तो वी हैव जनरल सॉल्यूशन फॉर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा इज, क्या है जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू तो थीटा ही लेनी है, अल्फा की वैल्यू क्या लेना है हमें, पाई बाय सिक्स, बराबर। टेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, अभी यहां पर अगर थीटा की वैल्यू अलग से होती है, एक्स के समान होती है, तो हम यहां पर थीटा इज इक्वल टू टू एक्स फोर एक्स जो जो भी है वो ले सकते हैं। यहां पे थीटा के लिए थीटा लेना है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अल्फा के लिए क्या लेना है अभी, पाई बाय सिक्स लेना। तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फॉर फोर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन इज, इसके लिए क्या जनरल सॉल्यूशन है, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू ले ली हमने पाई बाय सिक्स, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय सिक्स। डू यू अंडरस्टैंड, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए। तो और कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर का एक एग्जांपल हम यहां पर लेंगे, अभी अगर फोर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री है, या तो ऐसा भी ले सकते हैं फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और आपको क्या करना है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो 4 cos square theta is equals to 3, यानि cos square theta is equals to क्या हो गया 3 by 4, तो cos square theta is equals to 3 by 4, यानि root 3 by 2 bracket square हो गया, बराबर। अभी cos square theta is equals to root 3 by 2, cos के लिए, कौन से angle के लिए cos root 3 by 2 रहता है, अगेन पाई बाय सिक्स के लिए, बराबर 30 डिग्री के लिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय सिक्स ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाय सिक्स आ गया, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पाई बाय सिक्स। तो वी हैव जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, ए इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड, ये अभी एन बिलोंग्स टू जेड लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिखना ही चाहिए, एन बिलोंग्स टू जेड यानी थीटा, अभी थीटा की वैल्यू क्या लेनी है हमें, थीटा ही लेनी है, यहां पर थीटा के लिए जगह पे थीटा ही आ रहा है तो थीटा लेनी है। चेक अल्फा की वैल्यू क्या लेनी है हमें, पाई बाय सिक्स, तो चेक अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पाई बाय सिक्स। तो यानी हमारा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फॉर फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी गिवन इक्वेशन के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन आ रहा है हमारा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू हो गई पाई बाय सिक्स, एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। इस तरह हम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए भी जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
बराबर। उसी तरह हमें क्या करना है, tan square theta के tan square theta is equals to tan square alpha के लिए भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी अगर tan square theta is equals to tan square alpha के लिए जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकल सकते हैं, देखते हैं एक एग्जांपल। फिर एक बार हमारे पास वही क्वेश्चन होगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 दिया है। अगर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 आता है तो हमें क्या करना है, सोचना है थ्री किसका स्क्वायर। एक थर्ड एग्जांपल हमारा, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3, यानी टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रूट 3 स्क्वायर। बराबर, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर। टैन की वैल्यू रूट 3, पॉजिटिव रूट 3, अभी पॉजिटिव स्क्वायर में सब पॉजिटिव आने वाला है, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और थीटा की वैल्यू कौन से थीटा के लिए, टैन जो है रूट 3 होता है, कौन से एंगल के लिए, ऑफ कोर्स पाई बाय 3 के लिए। बराबर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं टैन पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री। टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3, देयरफॉर रूट 3 की जगह पे मैंने लिखा टैन पाई बाय 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो tan square theta is equals to tan square pi by 3। बराबर, तो उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू लिखनी। यहां पर tan square theta is equals to tan square alpha के लिए जनरल सॉल्यूशन तो है हमारे पास, क्या theta is equals to n pi plus minus alpha, तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, theta की वैल्यू तो theta है, तो यहां पर हम लिखेंगे we have जनरल सॉल्यूशन फॉर। अभी ये फॉर्मूला जो है हमें यहां पर लिखना ही चाहिए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है यहां पर हम लिखेंगे वो जनरल सॉल्यूशन। पहले तो क्या है जनरल सॉल्यूशन बोलो तो, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। उसके बाद क्या करना है, थीटा और अल्फा की वैल्यू डालनी है, तो थीटा की वैल्यू तो थीटा है, अभी सिर्फ हमें अल्फा की वैल्यू डालनी है। यहां पर ये कंपेयर हो सकता है इस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा जैसे कंपेयर हो सकता है कि नहीं, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 3, तो टेक अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3, यानी जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, फॉर गिवन इक्वेशन दैट इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 और एन बिलोंग्स टू जेड। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 के लिए, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अभी अगर थीटा के जगह पे कुछ और एंगल आते हैं, दूसरे एंगल आते हैं और स्क्वायर में ही आता है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। अभी साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल टू, अगर साइन स्क्वायर 3x यहां पर अगर हमने लिया 2 साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1, ठीक है, हमारे पास ए एग्जांपल है सर, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ए एग्जांपल
2 sin square 3x = 1, ये ऐसा लिखना है 2 sin square 3x = 1/2। अभी sin square 3x अभी हाफ किसका स्क्वायर है, 1/√2 का स्क्वायर क्या आता है, हाफ आता है। तो sin square 3x, अभी क्या सोचना है हमें, sin कब 1/√2 रहता है, 45 डिग्री के लिए। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही जनरल सॉल्यूशन डालना है, एंगल थ्योरम डालना है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही डालना है क्योंकि वो पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट का नहीं लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल लेना है। तो यहाँ पे 1/√2 साइन की वैल्यू 1/√2 कब रहती है, तो पाई बाय 4 के लिए यानी 45 डिग्री के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन पाई बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई बाय 4, ये हो गया बराबर। इसके लिए नंबर दे दिया फर्स्ट। अभी वी हैव द जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए क्या जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है वो है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, बराबर कि नहीं। तो एन बिलोंग्स टू जेड, यहां पर भी हम एन बिलोंग्स टू जेड लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो वैसे। अभी क्या करना है, थीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू यहां पर चेंज है, यहां पर थीटा 3x है और अल्फा पाई बाय 4 है, बराबर। तो इस जनरल सॉल्यूशन में हमें थीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू डालनी होगी। तो यहां पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 3x एंड अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहां पर जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, तो जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन फंक्शंस और गिवन इक्वेशन, लिखा तो भी चलेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं, थीटा की जगह पे 3x आएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद x की वैल्यू हमें निकालनी है, जनरल सॉल्यूशन जो भी सॉल्यूशन है वो x के लिए निकालना है हमें, याद रखिए जो भी सॉल्यूशन निकालना है वो x के लिए निकालना है। तो यहां पर x इज इक्वल टू n पाई बाय 3, 3 डिवाइड में ट्रांसफर करो वहां पे दूसरे साइड में, तो n पाई बाय 3 प्लस माइनस पाई बाय 12 हो जाएगा यहां पर, बराबर कि नहीं। और n बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे हम, z। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर 2 sin square 3x = 1। तो ऐसे हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, सिमिलर वेज में निकालना है बराबर। और सबके लिए एक ही फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और एक एग्जांपल हम देखेंगे यहां पर, अभी यहां पर एग्जांपल सपोज टैन स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो अभी नया सिलेबस आया है, उसमें ऐसा जो यहां पर एंगल चेंज 2x, 3x ऐसे
कम एग्जाम्पल आए हैं, बहुत कम एग्जाम्पल उन्होंने लिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं यहां पर आपको वो भी बताने वाला हूं कि 2x, 3x और कुछ यहां पर थीटा बदल गया तो हम कैसे जनरल सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। तो देखें, अभी tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, बराबर। तो यहां पर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल के लिए, पाई बाय 4 के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे tan पाई बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर, यानी हो गया tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 4, बराबर। उसके बाद हमें क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन फॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के लिए हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, बराबर, n बिलोंग्स टू 6। उसके बाद क्या करना है, टेक थीटा की वैल्यू 2x आई है और अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो थीटा इज इक्वल टू 2x एंड अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो हमें ये दोनों वैल्यू इसमें डालनी है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, तो जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2x, n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू 6। तो यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये जो 2 है उसको ट्रांसफर कर देंगे उस साइड पे, तो x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 8 और n बिलोंग्स टू 6। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, क्लियर। इस तरह हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, इन सब के लिए सेम ही जनरल सॉल्यूशन है। फिर एक बार बताता हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा के लिए अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हमें क्या करना है, पहले तो थीटा और अल्फा हमें पहले निकालना होगा। यहां पर हम फिर एक बार ये एग्जांपल देखेंगे, तो यहां पर हमें पता चल जाएगा tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने क्या किया है यहां पर tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 के जगह पे क्या डाला है, tan पाई बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 2x हो गई, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 हो गई, ये जो दोनों वैल्यूज है ये जनरल सॉल्यूशन में डाल दिया, तो हमें इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन वो जनरल सॉल्यूशन कौन सा भी हो, वो x के लिए निकालना है, या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो या जनरल सॉल्यूशन हो, वो सब x के लिए ही निकालना पड़ता है। तो याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू 6, क्लियर। तो ये समझ में आया, अभी आप टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें से आप जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये सब पिछला जो हमारा लेक्चर था वो और ये दोनों लेक्चर वो जनरल सॉल्यूशन पे ही चल रहे हैं। अभी और कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने वाला हूं, लेकिन वो जो एग्जांपल है, अभी जो एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं वो मिक्सअप है, यानी उसको हमें डिवाइड करना होगा। ये सिंपल एग्जांपल जैसा दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ दिया है वैल्यूज, तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अभी क्या होगा, तो जो कुछ प्रॉब्लम आएंगे वो प्रॉब्लम मिक्सअप आएंगे, तो उनको दो या तीन प्रॉब्लम में वो डिवाइड हो जाएंगे, उसके बाद हमें जनरल सॉल्यूशन उसका निकालना पड़ेगा। तो
देखते हैं उस टाइप का एग्जाम्पल। तो फिर एक बार क्वेश्चन वही आएगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी हमारे पास साइन स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर अल्फा टैन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वेयर अल्फा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन था वो एन पाई प्लस माइनस अल्फा था, बराबर। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए क्या जनरल सॉल्यूशन था रे? एक बार बताओ। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस्ट टू एन अल्फा, इज इट राइट? उसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए क्या जनरल सॉल्यूशन था हमारा? थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, बराबर। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के लिए क्या जनरल सॉल्यूशन था हमारे पास? तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, सिंपल। इतना ही, ये जो थ्री फॉर्मूलेज है वो थ्री फॉर्मूलेज हमारे पास थे। उसके पहले हमने देखा था साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जनरल सॉल्यूशन था हमारा थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू, बराबर। टैन थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जनरल सॉल्यूशन था थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो ये था जीरो के लिए, ये था अल्फा के लिए, यानी साइन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा। और उसके बाद हमने स्क्वायर के लिए देखा था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा। इनके लिए जनरल सॉल्यूशन देखा था वो था एन पाई प्लस अल्फा, बराबर। तो ये जनरल सॉल्यूशन होने के बाद अभी हमें क्या करना है? तो मिक्सअप प्रॉब्लम हमें देखने हैं। तो उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पर है साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। अभी हम एक कैसे सॉल्व कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा? अगर साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा आता है और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन टैन थीटा। अभी साइन थीटा तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ नहीं है। तो टैन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? यस सर। अभी कॉस थीटा यहां पर ट्रांसफर करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बराबर। उसके बाद क्या करना है? अभी डिवाइड नहीं करना है। कम कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, देखो अगर 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x आता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, यानी 2x इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये आपका गलत नहीं है, लेकिन x की वैल्यू आपको पता नहीं है इसलिए आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू जीरो है और उससे आप डिवाइड करते हो तो ये गलत हो जाएगा, यानी आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसी तरह यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो साइन थीटा कैंसिल नहीं कर सकते, या साइन थीटा से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? साइन थीटा की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, हमें मालूम नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो ऐसे लिखना है, उसमें से साइन थीटा कॉमन निकालो। तो साइन थीटा कॉमन लेने के बाद क्या अब यहां पर रहेगा? कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, बराबर। इतनी साइन थीटा कॉमन लिया तो कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रहेगा। अभी देखो, अभी ये तो वैल्यूज है साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस वन, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है? जीरो। तो यानी एक तो साइन थीटा जीरो होगा
नहीं तो cos थीटा माइनस वन जीरो होगा, बराबर। तो यहां पर आएगा sin थीटा इज इक्वल टू जीरो और cos थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, या तो sin थीटा जीरो आएगा या तो cos थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आएगा। यानी sin थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जनरल सोल्यूशन निकालो या cos थीटा माइनस वन के लिए जनरल सोल्यूशन निकालो। यानी हमें क्या करना है, अभी दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, बराबर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जनरल सोल्यूशन निकालना है और cos थीटा इज इक्वल टू वन के लिए भी जनरल सोल्यूशन हमें निकालना है। ये दोनों के लिए जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो हमने देखा है साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जनरल सोल्यूशन देखा है, cos थीटा इज इक्वल टू वन के लिए भी जनरल सोल्यूशन देखा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जनरल सोल्यूशन का क्या है, तो जनरल सोल्यूशन फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जनरल सोल्यूशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, वो तो आएगा यन पाई। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, यन पाई, यन बिलोंग्स टू जेड। अभी क्या बाकी रह गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन के लिए, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस की वैल्यू वन जिस एंगल को होती है वो एंगल हमें सोचना है, कौन से एंगल को cos थीटा इज इक्वल टू वन रहता है, जीरो, जीरो एंगल है, उसके बाद पाई है, फिर टू पाई है, थ्री पाई है, बराबर। तो हमें यहां पर जीरो ही लेना है, क्या लेना है, जीरो, कम से कम छोटे से छोटा एंगल लेना है। देखो यहां पर cos वन है, जीरो पर वन है, पाई के लिए वन है, फिर टू पाई के लिए वन है, फिर थ्री पाई के लिए वन है, लेकिन इसमें से छोटा एंगल कौन सा है, जीरो, निगेटिव छोड़ दो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, या तो जीरो। अभी जीरो जो है वो हमारा मिनिमम एंगल यहां पर हो गया, तो हमें मिनिमम एंगल लेना है, तो जीरो के लिए cos थीटा क्या है, वन, बराबर। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू cos जीरो, ऐसे लिख सकते हैं, जीरो डिग्री भी लिखा, जीरो रेडियन भी लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos जीरो हो गया, बराबर। नंबर इट एज सपोज यहां पर नंबर फर्स्ट दिया मैंने, यहां पर नंबर सेकंड, ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos जीरो, उसके बाद हमें क्या करना है, हम तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास मिल गई क्या, जीरो, तो उसके बाद हमें लिखना है वी हैव जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो लिखना है, h थीटा इज इक्वल टू n, सॉरी 2n pi प्लस माइनस अल्फा, ये हमारा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन है। यहां पर थीटा की वैल्यू तो थीटा है लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या है, जीरो, तो चेक थीटा इज इक्वल टू, जब थीटा लेंगे तो यहां पर नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू लिखनी है जीरो, तो हमारा आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 2n pi, क्लियर, प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस जीरो हो गया, तो 2n पाई और n बिलोंग्स टू जेड, तो ये होगी हमारी वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू जेड, तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos जीरो के लिए, यानी नंबर थ्री। तो गिवन इक्वेशन के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक आ गया थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग टू जे, और दूसरा आ गया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, एन बिलोंग टू जे। तो लास्ट में हमें लिखना होगा, देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे यहां पर, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज, थीटा इज इक्वल टू एन पाई फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड,
क्या है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड और थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, समझ में आया। अभी और कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जहां पर कॉम्प्लिकेशंस है और हमें डिवाइड करना होगा वो इक्वेशन के, जो इक्वेशन दिया है उसको डिवाइड करना होगा। तो उसके लिए हमें अगर जनरल सॉल्यूशन देखना है तो और कुछ एग्जांपल हम देखेंगे यहां पर। अभी मैं जो जनरल सॉल्यूशन ले रहा हूं उसमें अगर डिफिकल्टी आती है तो आपको क्या करना है, इसके पहले जो वीडियो देखे आपने वो फिर एक बार देखने और उसके बाद ही ये देखना है। नहीं तो क्या होगा, अगर वो जनरल सॉल्यूशन आपको नहीं मालूम है तो ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ये इंटरैक्टिव भी नहीं है। हमारा जो क्लास चल रहा है अभी वो इंटरैक्टिव भी नहीं है, ये वन वे है। इसलिए आपको क्या करना है, तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो वीडियो आपको रिपीट रिपीट देखना है। फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको रिपीट वो सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ और एग्जांपल। अभी टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 टैन थीटा, दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 3.1 फ्रॉम योर न्यू टेक्स्ट बुक। अभी एग्जांपल हमने लिया है टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 टैन थीटा। अभी ऐसा तो डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हमें डिवाइड करना होगा। टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 टैन थीटा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, देखो टैन क्यूब थीटा माइनस 3 टैन थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा। अभी यहां पर टैन थीटा कॉमन निकाला तो क्या हो गया, टैन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम ना ये उधर ट्रांसफर कर सकते हैं ना ये ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि उधर 0 है और ये दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो यानी ये दोनों टर्म जो है उसमें से एक टर्म 0 है, बराबर। तो हमें क्या करना है, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 0 है और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, यानी ये 0 है या तो ये 0 है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, बराबर। तो ये दोनों के लिए हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो tan थीटा के लिए यहां पर हम 2 पार्ट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 नंबर देंगे हम फर्स्ट, क्लियर। अभी tan थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारा, n पाई, डायरेक्टली भी लिखा तो भी चलेगा अभी, अभी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई, अभी आप डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू जेड, नंबर इट एज अ सेकंड। और हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, बराबर। तो फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 के लिए हमें क्या करना है, रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी देखिए हमने इसके पहले देखा है कि अगर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा होता है तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या है, हमने देखा है। तो यहां पर रूट 3 कब आता है, tan रूट 3 कब आता है बोलो, तो tan पाई बाय 3 के लिए रूट 3 आता है, बराबर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 3 ब्रैकेट स्क्वायर।
तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan स्क्वायर पाई बाय 3 हो गया, बराबर। तो यहां पर फिर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है, जनरल सॉल्यूशन फॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या है, इज अभी स्क्वायर के लिए जो जनरल सॉल्यूशन हमने लिखे इसके पहले वो क्या थे, तो थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर के लिए जो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास थे साइन स्क्वायर थीटा के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए और टैन स्क्वायर थीटा के लिए, सबके लिए हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन था एज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, इज इट राइट और नॉट, बराबर। तो यन बिलोंग्स टू जे, अभी यहां पर क्या करना है, थीटा के जगह पे थीटा है, अल्फा के जगह पे क्या है पाई बाई थ्री, तो हमें क्या करना है टेक अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन अभी थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू जे, तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। यहां पर हम नंबर देंगे 3, यहां पर 4, तो सेकंड इक्वेशन में एक जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया और ये फोर्थ इक्वेशन में हमें एक जनरल सॉल्यूशन मिल गया। इस तरह हमारे पास ये दोनों जनरल सॉल्यूशन मिल गए, क्या है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, क्लियर, एन बिलोंग्स टू जे। तो यहां पर हम लास्ट में लिखेंगे therefore general solution for given trigonometric equation, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू छे और थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री, एन बिलोंग्स टू छे। इस तरह हमें इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है एन बिलोंग्स टू छे, क्लियर। तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन मिल गया गिवन इक्वेशन का, क्लियर। उसके बाद और कुछ एग्जांपल हम लेने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 से। अभी अगर ऐसा एक एग्जांपल है, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल में एक्सरसाइज से बाहर का एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, साइन थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा एज इक्वल्स टू 0 अगर है और हमें इसका अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो फिर एक बार देखो क्या करना है। तो साइन थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, यानी Either sin theta is equal to 0 or cos square theta is equal to 0 आएगा, बराबर। तो sin theta is equal to 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन निकालो, cos square theta is equal to 0 के लिए भी जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो यहां पर sin theta is equal to 0 और cos square theta अगर 0 है तो यानी cos theta is equal to 0 आता है। यहां पर दो सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 ये 0 का स्क्वायर है, तो यहां पर cos theta is equal to 0 डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी theta is equal to therefore general solution for
साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन। और सेकंड क्या है, जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, cos थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z, तो ये हो गया हमारे लिए सेकंड जनरल सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, या तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और कुछ एग्जांपल जनरल सॉल्यूशन के हम देखने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।